इसलिए बना रही हूँ कि मैं खाला बन गई। चलो जी, बहुत का छोटा है, इसको तंगी हो रही है ऊपर लगाने में। कैमरे में देखो, बोले से हाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय खालास व्लॉग। माय खालास व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। सबसे पहले तो मैं अपनी इस हालत के लिए आपसे माजरत ख्वाहूँ, क्योंकि मैं अभी अभी प्रैंक करके आई हूँ, और प्रैंक मैंने किया है बैगर प्रैंक, तो जिसकी वजह से मैं कुछ मांगने वाली लग रही होंगी। खैर, मैं आज क्यों व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। तो मैं ये व्लॉग 6 बजे इसलिए बना रही हूँ कि मैं खाला बन गई। मतलब मैं अब की खाला नहीं बनी हुई, मैं काफ़ी देर की खाला बनी हुई हूँ, लेकिन मैंने वो व्लॉग अपलोड नहीं किया था कि मेरी भांजी हुई है मेरी बहन के घर, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटी हुई है, तो वो जो है वो आ रही है क्या करके, मैं भी छिला छिला नहा के ना, हाँ वो जो छिला नहीं होता, उसके बाद जो मेरी बहन हमारे घर अब आ रही है, तो हमने सोचा कि उसको एक सरप्राइज़ देते हैं ना, वेलकम का सरप्राइज़, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग बनाती हूँ इस चीज़ का अभी, कि हम उसके लिए कैसे बलून्स लगाएंगे, कैसे तैयारियाँ करेंगे। तो अम्मी जो है वो उसको लेने के लिए, तैयब को मैंने भेजा है बलून्स, और वो वेलकम नहीं होता जो लिखा होता है वो लेने के लिए, तो मैंने महविश से कहा कि तुम करो सफाई, तो महविश कर रही है सफाई, और देखिए मेरी बहन कितनी प्यारी है ना। खैर, महविश कर रही है सफाई, महविश को मैंने कहा कि पहले बेडशीट वगैरह तुम चेंज कर लो, तब तक मैं व्लॉग का आगाज़ कर लेती हूँ, फिर जो है वो मैं रेडी शेडी हो जाऊंगी, और फिर बलून्स वगैरह हम लोग फुलाएंगे, तब तक तो ये भी आ जाएगा। तो पहले मैं अपनी इस हालत को दुरुस्त करती हूँ, और फिर जो है वो तैयब आ जाएगा, फिर हम बलून्स वगैरह लगाएंगे, तो मैं तैयार होकर आती हूँ। 1 2 3 टन टना। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, अब मैंने नाइट सूट पहना है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने सोना ही है, तो बाल बांधे हैं, तो ज़्यादा मेकअप करने का कोई मकसद नहीं बनता, कोई वलीमे पे थोड़ी जा रहे हैं, बस सहरिश आ रही है, सहरिश तैयार होकर आएगी, क्योंकि वो बेबी के बाद पहली बार हमारे घर आई है। खैर, मैंने थोड़ा सा मेकअप इसलिए किया है रात के टाइम, क्योंकि हरम जो वो भी छोटी सी है, नन्ही सी है, मुन्नी सी है जान, मेरी भांजी जिसका नाम हमने हरम रखा है, वो भी छोटी सी है, अगर वो बगैर मेकअप के मेरा रूप देखेगी हमें डर डूर ना जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो इसलिए मैंने मेकअप किया ताकि उसको पता चलता रहे, अच्छा ये वही खाला है जो कैमरे में भी प्यारी लगती है और बगैर कैमरे के भी प्यारी लगती है। खैर, गर्मी लगी है, पहले हम चलाएंगे एसी। एसी जो है वो लगा दिया है। खैर, मैंने देव को भेजा था बलून्स लेने के लिए, तो मैंने उसको कहा था कि पिंक बलून लेकर आना, क्योंकि बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल वाला ही लुक आना चाहिए, तो तैयब को मैंने कहा था बलून्स लाने के लिए, तैयब लेकर आए ये पिंक वाले बलून्स, साथ में ये जो है इससे हम इसको फुलाएंगे, और फिर जो है वो वेलकम होगा। फुलाएंगे कैसे, मेरे अंदर तो इतनी जान है नहीं कि मैं इसको अपनी फूंकों से, इसको इसके अंदर अगर मैंने फूंक भर दी तो मेरी जो थोड़ी सी जान है वो भी निकल जाएगी, और फिर निम्रा व्लॉग कैसे बनाएगी। तो हम इस पंप की मदद से बलून्स और वो वेलकम पर जो है वो हवा भरेंगे, और देन फिर इसको स्टिक कर देंगे इस रूम में, और रूम डेकोरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेकोरेशन बलून्स को फुलाने से। मैं महविश का इस्तेमाल करूंगी, वो हमारे साथ मिलके बलून्स फुलाएगी। महविश, मैं एक मिनट, मैं तो चले गुब्बारे फुला सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, शक्ति है मेरे अंदर, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा पापड़ बैठा है, सूखा पापड़ जिसको हमने धूप में सुबह सुबह के इतना पापड़ बना दिया, वो बना रहा है, वो फुला रहा है बलून्स। महविश, आपका फेस उधर क्यों है, आप कैमरे में क्यों नहीं दिखा रही आप अपने आप को? शर्मा गई प्यारी, शर्मा गई। खैर, ये पंप की मदद से मैं इसको बड़ी देर से फुला रही, महविश ने अपनी इतनी सी हवा से इतने सारे गुब्बारे फुला लिए, और मेरे से इस पंप की मदद से एक गुब्बारा नहीं फूल पा रहा, इससे मैं फुला रही हूँ, मतलब ये इससे फूल ही नहीं रहा। तैयब आ गया, थोड़ा जूम करके दिखाओ हमारे गुब्बारे। तैयब को आज हमने कैमरामैन बनाया, इस बदतमीज से तो एक गुब्बारा नहीं, इस पंप से मैंने इतना गुब्बारा फुलाने की कोशिश किया, मेरे बाजू वो टूटने वाला आ गया, फिर हमने मुंह का इस्तेमाल किया, ये देखें अंदर गुब्बारा डाला, उसकी फिर भी नहीं हवा निकली। आधे हम लोगों ने फुला लिए, जब हमें इतनी क्वांटिटी लग जाएगी कि भाई इतने फूल जाएंगे पूरा कमरा उसे डेकोरेट हो जाए, फिर हम बस कर देंगे, बल्कि मैं भी फुला रही हूँ, और मैं साथ साथ जो है लगाना शुरू कर देती हूँ। लाते बुलाते सेहत भी कम होगी, आपके पास है थी सेहत वैसे जी।
आप बाजार में बेचना शुरू करें अपनी सेहत, आपके पास बहुत सेहत है। ऐसे लड़कियां आ जाते मैं बेचता भी हूँ। Shut up! लोग उस पार्टी पे आए हैं। समान आ गया ना? क्या कहा आपने फिर कह रहा? बहुत लगते हैं वो ब्लॉक के बीच में जब फैंटी लगा देंगे फिर अच्छा रहेगा। हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब यह होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील। क्या चुपेर की साफ सुना लिया? मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे हम इस गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, काश हम तैयब मैविश में भी हवा भर सकते हैं। मैविश और तैयब इतने बड़े बड़े हो गए थे। मुंह देखिए इसका, अपनी सेहत देखो पहले, फिर ही दूसरों का कहना। हाँ बिल्कुल। चूसा हुआ आम लग रही है ये। अरे आप चूसा हुआ आम की गिटार। आम्बी की गिटक मतलब आम के ऊपर डंडी नहीं रहती है ब्राउन कलर की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। काम करो ना करना, टाइम जा कर ही जा, व्यूज नहीं आ रहे। व्यूज नहीं आ रहे, एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा। मुझे बताएं कि मैं तैयब का चैनल बनाऊं या ना बनाऊं। अगर मैं तैयब का चैनल बनाती हूं तो आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि तैयब मुझे कह रहा है कि इमरान मेरा भी ब्लॉगिंग का चैनल बनाओ, मैं भी बनाऊंगा क्योंकि तैयब बाइक कर देना। तो बताएं कि बनाऊं या ना बनाऊं। खैर अब हम इसका बनाते हैं पेयर। अपनी हवाएं पिन थोड़ा स्लो करो। हम करेंगे दो पिंक एक वाइट और दो वाइट एक पिंक करके इस तरह से पेयर बनाकर नुक्कड़ नुक्कड़ पर जो है वो हमारे का भी तो पेयर होगा। मैंने मुंह तो लगा। अब जो है वो हम ना इसको लगाना शुरू करते हैं, ठीक है? तो धागा मेरे पास ही पड़ा है, अब इसको हम रैप करते हैं धागे से। सही है, फुलाओ। हम लोगों ने पंखा सिर्फ इसलिए बंद किया था क्योंकि पंखे से जो है वो सारे गुब्बारे उड़ जाने थे और फट जाने थे। तो अगर अब ये फटे तो इनकी तो फाड़ दो, मतलब अब अगर ये फटे ना तो मैं इनका सर फाड़ दूंगी। और हो गया अलग तरीके, चर्चियों वाला तरीका। अब जो है मैं इसकी नोट बांध रही हूँ ताकि जो है ये खुले नहीं और इधर उधर भागे नहीं। इस तरह से हम जो है वो तीन तीन का पेयर बना के रखते हैं और फिर इनको इकट्ठा जो है वो एक साथ रैप करेंगे, ठीक है? कैंची पकड़ाएंगे ना बैग नीचे से, चलो मेरे दांत किस काम आएंगे? जुबान इतनी तेज है तो दांत कितने तेज होंगे आप अंदाजा लगाएं। मुझे वो लगाना याद आ गया, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं दिल तो बच्चा है जी। चले अब तेरे दो पिंक और एक वाइट किया था, अब दो वाइट और एक पिंक करते हैं। अपने मुंह से बड़ा इसको दोबारा फुला लिया, ये अजीब सा ही लग रहा है इनके बीच में। थोड़ा छोटा वाला दे, वो वाला दे, ओ वाइट वाला। मैविश तो आज कसम खाई है कि जितनी मेरे अंदर हवा थोड़ी बहुत बची हुई है उसको भी आज मेरे खत्म कर दो। सारे गुब्बारे मेरे ख्याल से इसने खिलाए हैं। ये मुझे एक मेरे गलत गुब्बारा एक आ गया, पिंक कलर डार्क पिंक आ गया एक। वैसे तो वही वाला पिंक अच्छा लग रहा है ना मैविश, डार्क पिंक। लाइट पिंक तो ठीक से नजर भी नहीं आ रहा, वाइट भी लाइट है ना इससे। वाइट 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 है ना, लाइट है ना, डार्क पिंक अच्छा लग रहा है। काले गुब्बारे काले गुब्बारे नहीं अच्छे लगेंगे। सारे कॉम्बिनेशन
मेरी क्लास का एक लड़का है, मुझे कहता है कि मुझे इसके भाई पे तरस आता है, ये चक्कर आता है खाने में, देखना जरा तरस क्यों आता है। अक्सर ही मैं इसको मार रही होती हूँ, है ये व्लॉग में चुप करके बैठा होता है, इसके अंदर का शैतान आ जा रहा है, ये कोई भी शरीफ लड़का नहीं है, ठीक है ना, और इस पर तरस खाने की जरूरत है। मैंने जो है मम्मी का फोन किया तो अम्मी कह रही हैं कि मैंने ऑटो रिक्शा करवा लिया, मतलब मजीद अम्मी को एक घंटा लगेगा घर आने में, तो हम लोगों ने गुब्बारे सारे फुला लिए, तैयब जो है उनके पेयर बना रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं तब तक जो वेलकम है उसको फुला लूं और देन हम लोग जाओ उसे करना शुरू करते हैं, वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम कि हम सारा कुछ करें, तो इसको करना शुरू। हरम छोटी सी है, उसको क्या पता चलेगा मेरी खाला ने, नहीं लेकिन वो जब व्लॉग देखेगी हरम कहेगी वाह मेरी खाला कितनी अच्छी थी, आई लव माय खाला। हरम कितनी खुश नसीब है उसकी खाला मैं हूं, ओह माय गॉड शी इज सो लकी टू हैव मी एज अ खाला। चले गाइस अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, आज दिखाएं ना सर मेरे हम लोग ने डिग्डी, ये थोड़ा थोड़ी सी खराबी पैदा हो गई थी, तैयब ते टेप काट काट के दे, अच्छा ट्रिम हेल्प करवा दे, आगे बहुत काम है। अब हमने बड़ी मुश्किल से इस ओ के अंदर हवा भरी, क्योंकि ओ की हवा जैसे भी निकल गई दूंदे तो अल्लाह भाई मैंने थोड़ी उतारी तो लंबी हो तो ये सब सब काम इसी से करने ध्यान से। वेलकम में तो ये क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब हम इनको स्टिक करना शुरू करते हैं, बिकॉज़ वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, सारी शादी की जल्दी कर लो। तैयब ने तो टेप को वैक्स बना लिया अपने बाल परेशान। तैयब देख जरा तू जाके मोबाइल पकड़, मैं भी टेप उतार के देगी। हाँ ये छोटी था, हाँ इतनी इतनी था, मुझे सही से चिपकाना है, दो दो टेप लगाओ। गुब्बारे दे तो ये सब कुछ कर लिया, अब सारी शायद हम इसके ऊपर फोटो सेशन करेंगे, प्यारा सा केक, केक तो मंगवाया ही नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, एक इस घर का सरबरा मैं हूँ तो इसका मतलब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, केक तो हमने मंगवाया नहीं और अम्मी आने वाली हैं, तैयब केक लेकर आ जल्दी जा। कोई भी सस्ता सा कोई भी ले गुब्बारा गुब्बारे ने उतर जाने टोपो नहीं टेपे, हम तब तक पूरा करते, तू केक लेकर आ जल्दी जा। निम्रा निम्रा जोकर बन चुकी है, तो ये हमारा आधा काम तो कर ही गया भाई, मैं आपको पकड़ा देती हूँ, आप इतनी मेहनत ना करें, ये मैं अपना नुस्खा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उसको पता है उसको पकड़ाने वाला कोई नहीं है। चलें तो ये केक खाने गए तो टेप भी अब हमें खुद ही लगानी पड़ेगी। ओ बस वैसे प्राइस खराब हो गया। अम्मी जी हमारी है ना, फोन करके आ जाए तो ना, नहीं ऐसे हम ना सरप्राइज मेरी गुद्दों का सरप्राइज, सॉरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तो कैसी हैं आप, आप भी गले मिल ले चुटको, पकड़ 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 महवेश, अब गुब्बारे आप लगाएं दिखाएं। वाह कितना अच्छा लग रहा है सारा, वी मेड ऑल दिस सरप्राइज फॉर यू, फॉर अस, फॉर यू, नो वी आर नॉट मेड दिस सरप्राइज फॉर यू, वी आर मेड दिस सरप्राइज फॉर हमारा पाला जो बेबी हलम, मैंने पाला जो सुता रहा था बेचारा, ओ
पास बस इधर ही है वो, इधर ही है। चल बस पता था मुझे। अच्छा बस तैयब किधर है? तैयब को कुछ काम के लिए भेजा। तो मैंने ट्राई किया था, मैंने ऑलमोस्ट मतलब सारी ही तैयारी कर ली थी, लेकिन जो नीचे नीचे वाला था ना, आई हाय टेपर टेपर चिपकती जा रही है, नीचे नीचे के गुब्बारे कुछ आएंगे, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम इसको भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो है वो सैरिश विराजमान होगी। एक फोन इस औरत ने नहीं किया कि भाई निमरा मैं आ रही हूँ तो जल्दी जल्दी काट लो। अम्मी तो रिक्शे में सो रही थी, मतलब अब नींद आ गई थी अम्मी को। तो सैरिश आ गई है और ये अरेंजमेंट हमने सैरिश के लिए की थी। तो अभी सैरिश को हम पहले पिलाएंगे बोतल, देन वी हैव नाश्ता, और फिर हम काटेंगे केक। सॉरी डिनर, और फिर उसके बाद हम करेंगे केक काटेंगे, क्योंकि हरम को 40 दिन हो गए पैदा हुए। जब उसका 1 month था तब हमने हल्का सा सेलिब्रेट किया था, लेकिन हमने सोचा कि हमारे घर पहली बार आई है तो हम वो भी सेलिब्रेट करें। तो मैं अभी बोतल लेकर आती हूँ, आगे जो होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जो हरम है वो शदीद रो रही है, हरम जब शदीद रो रही है, उसको उसकी खाला की गोदी चाहिए। वो कह रही है मुझे मेरी सेलिब्रिटी खाला उठा क्यों नहीं रही है, तो मैं उसको उठाती हूँ। चुप हो गया मेरा काका, मेरा बच्चा, मेरा सोता सा बच्चा। हरम कैमरे में देखो, बोले से हाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय खालास व्लॉग, माय खालास व्लॉग। ओए जब भी मैं चुम्मी करती हूँ नहीं रोने लग जाती। अल्लाह अल्लाह काका अल्लाह, इन्ना पाला मिन्ना पाला इन्ना पाला उसके गर्दन के। अच्छा अच्छा, तैयब जो है वो केक लेकर आ चुका है, केक। और अम्मी जो है वो सैरिश के लिए खाना बना रही है, क्योंकि ये सफर करके आई है और हमारे घर में बहुत देर बाद आई है, तो अम्मी ने इसके लिए स्पेशल कुछ खाना बनाकर पहले से रख कर गई थी। खैर अब रोटी वगैरह बना रही है, और हरम भी जो है वो उठ चुकी है, और लेकिन महविश को जिंदगी का चैन नहीं है। महविश स्टिल अभी भी जो है वो गुब्बारों में घुसी है किसी तरह। ये जो बचे कुछ गुब्बारे हैं इनको भी महविश सेट कर ही दे। तो हम जो है खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोगों ने हरम के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है, हरम की मामा को वो दिखाएंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे और फिर केक काटेंगे, एंड फिर मैं अपने ब्लॉग पॉइंट करूंगी। तो खाना खाने के बाद कितनी पाली लग ली है बस। हलम की चूड़ियां देखी है आपने, कितनी फैंसी चूड़ियां पहनी हुई है हलम ने, देखे जनाब। हलम का हेयर बैंड का कहता है, हलम की शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है प्रिंसेस। Much later. तो हरम जो है वो सो चुकी है, हम लोग केक नहीं काट चुके, क्योंकि हरम इतना ज्यादा रो रही थी कि अम्मी इसको बाहर लेकर चली गई, फिर और मेरा पापा मेरा काका करके इसका चुप करवाया और वो सो गई। मतलब उसको इतनी मोहब्बत और इतनी प्यार से मैंने उसको चुप करवाया कि वो सो गई। तो सैरिश कह रही है कि अब अगर इसको उठाया तो इसने फिर सोना नहीं है, तो उसको ना ही उठाओ तो अच्छा है। और वैसे भी वेलकम भी आधा उधर पुतर गया, तो हम लोग केक जो है वो जब हरम उठेंगी तो तब काट लेंगे। तो मैंने सोचा कि इस दौरान मेरा एक्स्ट्रा ना रह जाए तो हम लोग एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी कुछ हो गया है काफ़ी ज़्यादा सोने का सबका। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरी भांजी जीती रहे, फलती फूलती रहे, अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और खुश रहे, अल्लाह सब बहन बेटे में नसीब अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वेलकम का ब्लॉग कैसा लगा। अब ये हमें बोली जा रहा है कि मुझे भी लेकर आओ। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।